लोहरदगा नगर परिषद द्वारा आम लोगों और व्यापारियों से अपील की आज करते हुए कहा गया है कि आज प्लास्टिक हटाएंगे तो स्वच्छ और खुशहाल कल बन पाएंगे। आज प्लास्टिक जमा कर दें, नहीं तो कल से कार्रवाई होगी। इसको लेकर पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जो मैना बगीचा से शुरू होकर बड़ा तालाब, गुदड़ी बाजार, मिशन चौक में समाप्त हुई। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के नियम 4 के प्रावधान के तहत नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पॉलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक कैडी स्टिक, ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, आइसक्रीम की इंडिया, कैंडी स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटा चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाले फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, 120 माइक्रोन मोटाई से कम के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम बनाया गया है, जिसके धारा 4 क्लाउज 2 के अनुसार सिर्फ पॉलीथीन नहीं बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं सभी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उसको लेके विगत 15 दिनों से हम लोग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसका आज अंतिम प्रतिबंध की जो है एक दिन पूर्व हम लोग एक जागरूकता रैली निकाले हैं, जिसमें शहर के सभी हमारे लोग शामिल हुए हैं, खासकर SAG के महिलाएं हैं, नगर परिषद कर्मी हैं, हमारे विशेष रूप से जनप्रतिनिधि लोग शामिल हुए हैं और सभी ने आह्वान किया है कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी विकट है और इसका जो है निस्तारण और डिस्पोजल करना काफ़ी कठिन है, और इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी 1 जुलाई 2022 से पूरे शहरी निकाय क्षेत्र में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसको लेकर हम लोगों ने व्यापारियों के साथ 2 दिन पहले बैठक भी की थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने भी हमें आश्वासित किया है कि 1 जुलाई से जो प्लास्टिक मुक्त अभियान है उसमें हमारा वो सहयोग करेंगे। और आज उसी को लेकर हम लोग एक जागरूकता रैली निकाले हैं, जो हमारा मैना बगीचा से शुरू होकर मिशन मोड मिशन चौक में यहाँ समाप्त हो रहा है। और हम यहाँ पर जो भी लोग हमारे इस जागरूकता रैली में शामिल हुए हैं उस हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, और साथ ही साथ व्यापारियों से और खासकर थोक और खुदरा व्यापारियों और ठेले खोमचे में जो भी लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उनसे भी हमारा विशेष रूप से आग्रह होगा कि नगर परिषद के ओर से जो भी अभियान चलाया गया है प्लास्टिक मुक्त शहर करने के लिए उसमें हमारा बढ़ चढ़ के योगदान बहुत सहयोग करें, हम उनके प्रति कृत संकल्पित रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।